कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो? मास्क लगा रहे हो? मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? कहीं भी बाहर जाओ मास्क लगाओ, क्योंकि आप देख ही रहे हो ना, दिन प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना पॉजिटिव का, ठीक है? तो अपने को उसका ध्यान रखना है। आज हम बात करेंगे, देख रहे हो ना बॉस, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आज हम रेसिपी बनाएंगे, ठीक है? रेसिपी जैसे आप खीर बनाते हो ना, खीर बनाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए उसको टेस्टी बनाने के लिए? ड्राई फ्रूट चाहिए ना, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, जो भी टेस्टी बना सके उसको, शक्कर। वैसे ही हम आज बात करने वाले हैं, जो एनर्जी इंजीनियर्स होते हैं या जो एनर्जी की फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, वो अपना लाइफ को कैसे टेस्टी बनाए, ठीक है ना? मतलब इस फील्ड में कैसे टॉप पे जाए, ठीक है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे चार रेसिपीज बुक दी हुई। तो पहला रेसिपी बुक में देखो क्या है, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट, ठीक है? तो इसका जो मतलब मटेरियल है, जो इसका ड्राई फ्रूट है, पहले निकाल लिए ताकि आपको इजीली हो बताने के लिए, ठीक है? तो हम बात करेंगे इस बॉल के बारे में, नंबर वन, ठीक है? तो इसमें आपको सबसे पहला जो चैप्टर मिलेगा, इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, इस बुक के अंदर। तो पहला जो इसका चैप्टर है वो है एनर्जी सिनेरियो, ठीक है? फिर हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर्स के बारे में, उसमें आपको पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बारे में, ठीक है, जो 2001 में लागू हुआ था, और उसके जो रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे बेसिक ऑफ एनर्जी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, ठीक है ना, जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं उसके बारे में। और जो आपका चैप्टर 4 है उसमें आपका है एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट, ठीक है? तो पूरा आपको एनर्जी ऑडिट के बारे में और एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है, ठीक। फिर आपको पढ़ना है चैप्टर 5 यानी कि मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। फिर आपका आएगा चैप्टर 6 यानी कि एनर्जी एक्शन प्लानिंग। फिर आपका आएगा 7 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये जो पहले बुक के बारे में बता रहा हूँ मैं। फिर इसमें आपका आएगा चैप्टर 8 यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर आपका आएगा इसमें चैप्टर 9 यानी कि एनर्जी मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग, ठीक है। फिर आपका आएगा चैप्टर 10 यानी कि एनर्जी इफिशियंसी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसमें आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना होगा। और फिर आएगा लास्ट चैप्टर इस बुक का यानी कि 11 चैप्टर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इसमें पूरा आपको जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में आपको इस बुक में पढ़ना पड़ेगा। तो अपना एक रेसिपी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये देखो आप रेसिपी नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम इधर को रख देंगे। अब आ गई अपनी सेकेंड नंबर रेसिपी बुक के बारे में यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज, ठीक है। इसका जो है देखो, जो जितना ज्यादा वॉल को खाली करेगा वो जल्दी पेपर को क्लियर करेगा, ठीक है ना। तो अपने को इसमें से इजिली जो जो भी चैप्टर्स हैं इसके, मतलब जो भी इसके ड्राई फ्रूट्स हैं, पहला जो है इसमें फ्यूल एंड कंबसन, और सेकेंड है बॉयलर्स। बॉयलर्स आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल वालों, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी करने होंगे, ठीक है। थर्ड में आपका आएगा स्टीम सिस्टम, फोर्थ में आएगा आपका फर्नेस, जो फिफ्थ चैप्टर आएगा वो आएगा आपका इंसुलेशन एंड रिफ्रैक्टरीज, सिक्स चैप्टर आएगा आपका आएगा FBC बॉयलर्स, ठीक है ना। तो मैकेनिकल वालों के लिए बहुत इजीली पड़ेगा सेकंड बुक को समझने के लिए। तो 7 चैप्टर में आपका आएगा कोजेनरेशन, ठीक है ना, और यहीं पे 8 चैप्टर देखा जाए तो यहाँ पे आपका आएगा वेस्ट हीट रिकवरी, और सबसे जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका हीट एक्सचेंजर, ठीक है ना। तो आप खुश हो जाओ मैकेनिकल वालों, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसको इजीली मत लेना आप लोग, ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे आते हैं। तो जो इसका 9 चैप्टर है हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, तो टोटल इसमें कितना हो गया अपने चैप्टर, 9 चैप्टर। तो आपको सेकंड बुक को खत्म करने के लिए 9 चैप्टर को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये सेकंड रेसिपी तैयार हो गई, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने तीसरे बुक की तरफ, ठीक है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, ठीक है। तो इस बुक की जो रेसिपी है समझ ही गए होगे आप, अपने थर्ड वॉल में है, ठीक है। थर्ड वॉल में देख लेते हैं पहला क्या है, इसमें है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। टोटल इसमें 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहला अपना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फिर सेकंड देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में दिया है, मोटर एफिशिएंसी वगैरह जो भी अपने को इंडस्ट्री में उसका जो सेविंग निकालना है उसके बारे में आपको सेपरेट 2 में पढ़ना है। फिर अपना आता है थर्ड चैप्टर कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, ठीक है ना, कंप्रेसर वगैरह के बारे में, एयर कंप्रेसर वगैरह के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपका आएगा फोर्थ चैप्टर यानी कि HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है।
फिर आता है अपना 5 चैप्टर यानी कि फैंस एंड ब्लोअर्स, ठीक है। तो अपने को 5 चैप्टर में क्या पढ़ना है, फैंस एंड ब्लोअर्स के बारे में। फिर अपना आएगा 6 चैप्टर पंप्स एंड पंपिंग सिस्टम। बात करते हैं 7 चैप्टर के बारे में, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कूलिंग टावर्स के बारे में। फिर आता है अपना 8 चैप्टर यानी कि लाइटिंग सिस्टम। फिर आपका आएगा 9 चैप्टर यानी कि डीजल नेचुरल गैस पावर जनरेटिंग सिस्टम। 10 चैप्टर यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन इन बिल्डिंग्स एंड ECBC, ठीक है। एक बिल्डिंग कोड है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा 10 चैप्टर में। अभी तक हम बात कर चुके हैं इन 3 बुक के बारे में, ठीक है। अगर आप इन 3 बुक को अच्छे से पढ़ जाते हो, सारे चैप्टर जो मैंने बताया, ठीक है ना, जो मैंने बताया आपको चैप्टर्स, अगर आप उसको अच्छे से कवर कर जाते हो, मिनिमम आपको इसमें 50% मार्क्स लाना है इसको पास करने के लिए, ठीक है। टॉप भी कर सकते हो आप, मैं चाहूंगा आप टॉप करो, ठीक है, तो आप बन जाओगे एनर्जी मैनेजर। थोड़ा सा और एफर्ट लगाते हो, यानी कि आपको 4th पेपर कंप्लीट करना है, इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा ये बुक, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ जाते हो, समझ जाते हो, तो आप बन जाओगे एनर्जी ऑडिटर। इसके लिए आपको आखिरी जो बाउल है, ठीक है, उसका हेल्प लेना है हमें। इसमें टोटल 17 चैप्टर्स मिलेंगे आपको, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं इन 3 बुक में। पहला बॉयलर्स है, ठीक है। सेकेंड में आपका आएगा फर्नेस, इसमें आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा मिलेगा आपको। थर्ड में आपको मिलेगा कोजेनरेशन एंड सिस्टम। फोर्थ में मिलेगा आपको हीट एक्सचेंजर्स। फिफ्थ में मिलेगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर एंड वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स। सिक्स में मिलेगा आपका फैंस एंड ब्लोअर्स। सेवेंथ में मिलेगा आपका पंप। एट में मिलेगा आपका कंप्रेसर्स। नाइन्थ में मिलेगा आपका HVAC सिस्टम। 10th में मिलेगा आपका फाइनेंशियल एनालिसिस। 11th में मिलेगा आपका थर्मल पावर स्टेशन। 12th में मिलेगा आपका स्टील इंडस्ट्रीज। 13th चैप्टर आपका आएगा सीमेंट इंडस्ट्री। 14th आएगा आपका बिल्डिंग्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। 15th आपका आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 16th आपका आएगा पल्प एंड पावर इंडस्ट्री। 17th आपका आएगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। टोटल 17 चैप्टर्स में है आपके 4th बुक में। जो आपका 4th पेपर होता है एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी सिस्टम का, इसका जो टाइमिंग है 2 घंटा है, ठीक है। ये 2 घंटे का एग्जाम होता है, इसे बहुत ही कम टाइम मिलता है आपको, लेकिन ये जो है ओपन बुक एग्जाम होता है। आप इस बुक को एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं, 4th पेपर हो, ठीक है। तो इस बुक पे आपको कुछ नहीं लिखना है, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, जब आपके पास बुक आएगा, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि इस बुक पे आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आप कुछ लिख देते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इस बुक को लेके जाने के लिए एग्जाम हॉल में। अब बात करें 3rd बुक की, तो जो है 3rd बुक आपका है एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। इसका जो पेपर होता है 150 नंबर का होता है। इसमें आपको 50% लाना है यानी कि 75 नंबर लाना होगा इस पेपर को पास करने के लिए। इसके लिए आपको दिया जाएगा 3 घंटा यानी कि 3 घंटे का पेपर है। सेम वैसा ही इसका भी 150 नंबर का होता है पेपर 2 यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज। और बात करें पेपर 1 की, तो ये है आपका जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट। इसका भी जो होता है 150 नंबर का एग्जाम होता है और इसके लिए आपको दिया जाएगा 3 घंटा यानी कि जो 3 पेपर है आपके 1st, 2nd, 3rd, इसमें आपको दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम। और अगर बात करें 4th नंबर पेपर का, तो होगा आपका 2 घंटे का। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। जहां तक संभव होगा हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब को देने का, ठीक है। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं, और हाँ, मास्क, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट।